हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रेनु गुप्ता फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू अमूल इंडिया शेफ मुरली गुप्ता सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू कम लाइव ऑन अमूल फेसबुक पेज, एंड आल्सो थैंक्स टू नीमा पोरवाल जी, चीना एंड चानू पोरवाल, एडमिन्स ऑफ मॉडर्न किचन। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ रेसिपी ऑफ क्लासिक इंडियन रायता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समर सीजन है, तो कर्ड और रायता काफी ठंडक पहुंचाता है। तो जो मैं रेसिपी आज लेकर आई हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग है, कूलिंग है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अमूल का मीठा दही और ये दही मस्ती, और साथ में मेरे पास है कोरिएंडर लीव्स, ये पुदीना लीव्स और कुकुम्बर, टोमेटो, ओनियन, ये है रोस्टेड पीनट्स, व्हाइट एंड ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, चिली फ्लेक्स, मैंगो का सीजन है तो मैंगो ले रही हूँ, और मेरे पास है थोड़ा सा फेटा हुआ दही। तो सबसे पहले मैं स्वीट दही बनाऊंगी। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, उसके लिए मुझे थोड़े पुदीना लीव्स चाहिए होंगे और मैंगो, मैंगो पल्प है ये मैं डालूंगी, इसको ग्राइंड करना है। अगर आप चिली पसंद करते हैं तो थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं हाफ ग्रीन चिली इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और एक बार हल्के से इसको फिर से चढ़ा दूँ। और इसको मैं इस बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। क्योंकि ये स्वीट रायता है इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, शुगर की जगह मीठा दही अमूल का ये यूज करूंगी। थोड़ा सा मैं पानी इसमें मिला देती हूँ। अब इसमें मैं स्वीट कर्ड अमूल का वो डाल के अच्छे से फेंट दूंगी। पानी की थोड़ी सी अगर नीड हो तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, और अच्छे से विस्क करना है। रायता बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा वाइट सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। गार्निश करने के लिए मैं इसमें कुछ क्यूब्स, मैंगो क्यूब्स डालने वाली हूँ।
और ऊपर से मिंट लीफ। तो ये मेरा मिंट मैंगो रायता बनके रेडी है। बहुत ही रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट देगा ये समर में, मिंट मैंगो रायता। सेकेंड टाइप का रायता जो मैं बनाने वाली हूं वो है पीनट एंड कुकुम्बर रायता। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा दही, पहले से अमूल दही प्लेन वाला फेंट के रखा हुआ है। और थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। ये फ्रिज में रखने से काफी टाइट हो जाता है। और इसमें मैं ग्रेटेड कुकुम्बर ऐड कर रही हूं। जब भी ग्रेट कीजिएगा तो उसको पानी उसका निकाल दीजिएगा, अदरवाइज आपका रायता बाद में काफी पतला हो जाएगा। क्योंकि ये रोस्टेड पीनट है तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीनट्स को क्रश करना होगा। आप चाहे तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं डालनी है तो मैं हैंड से कर रही हूँ। और इसमें वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, चिली फ्लेक्स, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी हम मिलाएंगे कोरिएंडर लीव्स। ऊपर से चिली फ्लेक्स। ये रोस्टेड पीनट्स इसमें आ चुके हैं पहले से, चिली फ्लेक्स है। आप चाहें तो इसको इसमें तड़का भी दे सकते हैं। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे गैस ऑन कर रही हूँ। ऑयल मैंने इसमें डाला हुआ है, मैं सरसों ऑयल यूज कर रही हूँ। थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये तैयार हो गया है। अब फ्लेम स्लो कर देती हूँ। तड़का रेडी है मेरा। इसको आप थोड़ा सा, ये देखिए मेरा पीनट एंड कुकुम्बर रायता रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक और रायता बना के दिखाऊंगी। इसमें काफी आइस जम गई है।
इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, इसको अच्छे से विस्क कर लेना है। जब तक दही अच्छे से फिट जाता है तभी वो खाने में अच्छा लगता है रायता, अदरवाइज उसके मोटे मोटे से अजीब से टुकड़े खाने में आते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां कट करके, और साथ में ये जो चॉप्ड कुकुम्बर है वो, चॉप्ड टोमेटो, और इसके साथ ही छोटे छोटे ओनियन को पीसेस करेंगे। तो ये जो रायता बना रही हूँ ये है मिक्स वेज रायता। इसमें मैंने यूज किया है कुकुम्बर, टोमेटो, ओनियन, कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव। मिंट डालने से बहुत ठंडक मिलती है, वैसे भी कर्ड काफी ठंडक देता ही है, और थोड़ी सी बहुत महीन महीन आप कर सकते हैं ग्रीन चिली। इसे भी आप तड़का देके बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्लेन बना रही हूँ क्योंकि एक मैंने तड़का देके रायता तैयार कर दिया है, अब ये वाला प्लेन होगा। और भी आप इसमें डाल सकते हो थोड़ा सा, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आप कितना उसमें ऐड करना चाहते हो। अब क्या करना है, इसमें नमक के बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, तो ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, और उसके बाद क्यूमिन पाउडर, हाँ थोड़ी सी शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसको भी बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, आपने बाहर भी खाया होगा मिक्स वेज रहता तो वो भी इतना ही गाढ़ा होता है, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। और इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस बाउल में, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ और टेस्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे किचन में करते समय हम लोग टेस्ट करते जाते हैं कि नमक और चीनी की मात्रा कितनी है, टेस्ट सही आ रहा है, तो इस समय तो मैं टेस्ट नहीं कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप हर चीजें बड़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और गार्निश कर देती हूँ, तो कुछ पीसेस टोमेटो, कुछ पीसेस कुकुम्बर, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और उसके बाद चिली फ्लेक्स, क्यूमिन पाउडर, और नाउ योर मिक्स वेज रायता इज रेडी फॉर सर्व। तो मेरा यहाँ पे ये रायता मैंने बनाया, स्वीट रायता, ये था मेरा मैंगो एंड मिंट रायता, और ये वाला रायता था मेरा मिक्स वेज रायता, और जो मैंने यहाँ पे तैयार किया है ये मेरा पीनट एंड कुकुम्बर रायता। तो थ्री वेरिएंट्स मैंने आपको क्लासिक इंडियन रायता के यहाँ पे दिखाए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग खाना तो बना लेते हैं और खाना सर्व करते हैं, बट अगर रायता या दही मिसिंग है तो फिर खाने में मजा नहीं आता। ऐसा लगता है कि खाने में पनीर और ये सब चीजें बनाई, बट असली चीज तो रह ही गई। हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले रायता ऑर्डर करते हैं कि नहीं मुझे कुछ रिफ्रेशिंग भी चाहिए एटलीस्ट समर। तो मेरे इन बनाए रायते को आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और आई थिंक कि आप लोगों ने इस तरह के रायते बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो जरूर ट्राई कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, तो मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।
थैंक यू एवरीवन एंड वंस अगेन थैंक यू अमूल इंडिया, बुडली गुप्ता सर, चीना पोरवाल, चारू पोरवाल, नीमा पोरवाल जी, वॉर्डन किचन ग्रुप, एंड थैंक यू एवरीवन दोज हु आर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच. बाय बाय. आप इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए. मेरा लाइव वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद.